अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि आज हमारे चांद रात है। पता नहीं क्या मैं बोल रही हूँ, जो भी है पता नहीं क्या के साथ करते हमारे लोग को स्टार्ट। और आज हमारा दिन स्टार्ट होता है यहाँ से कि हम लोग जा रहे हैं चेज़अप। मैंने चेज़अप से जाके लेना है घर के लिए, घर के बेड्स के लिए बेडशीट लेनी है क्योंकि हो सकता है कल ईद हो, तो इसलिए मुझे आज ही कुछ ना कुछ सब दिमाग से निकाल के मैंने बेडशीट वगैरह भी ले लिए। तो अभी बस जल्दी से ले लेते हैं दो अच्छी सी बेडशीट। और अभी हम लोग आए इम्तियाज़ क्योंकि चेज़अप उस टाइम बंद हो गया था, फिर हमें इम्तियाज़ आना। तो अभी हमने एक बेडशीट जो है वो खरीद ली है, बस अब एक पिलो चाहिए क्योंकि हमारे पिलो नहीं है, रोज हम लोग लड़ते रहते हैं। बेडशीट हमारी होगी, पिलो हमें समझ में नहीं आता, तो फिर हम लोग यहाँ से वापस अभी घर जा रहे हैं क्योंकि क्लाइंट आने वाली है, उसका टाइम हो गया। तो अभी रूम जो है मैंने सारा जो है क्लीन कर लिया है, बेडशीट बिछा दी है मैंने। और गाइस चांद मैं अपनी बात नहीं करी क्या, आप लोग भी ना बस अच्छा चांद नज़र आ गया। तो अभी मैंने एक क्लाइंट करना है, वैसे वो मेरी दोस्त है, उसके मैंने रशेस करने हैं, देन हम लोग जो आज हम लोग चांद रात को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। मैंने कभी भी आज तक चांद रात सेलिब्रेट नहीं की, बट ये फॉर द फर्स्ट टाइम मैं सेलिब्रेट करने लगी। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है गाइस, बहुत बड़ी वजह कुछ नहीं, खुशी के लिए जो है मैं सेलिब्रेट करूंगी चांद रात। और अभी आई थी वरीशा, वरीशा के मैंने लैश किया। वरीशा आपको लैश कैसे लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी, आप देख सकते हैं बहुत प्यारी, बहुत प्यारी लग रही है। और वरीशा ने इतना क्यूट सा बैग लिया, मुझे दिखा रही थी, मुझे इतना क्यूट लग रहा है। वरीशा जितनी खुद है छोटी सी ना, उस बैग भी उसने वैसे लिया, क्यूट सा छोटे ही चल रहे हैं लेकिन क्यूट बहुत है, बहुत प्यारा है। तो क्योंकि सुबह चांद सुबह ईद है, तो अभी जो है मैंने सोचा था कि मैं आज चांद रात सेलिब्रेट करूंगी, तो अभी मैं अपने जाके बाल स्ट्रेट करती हूँ और मैं रेडी होती हूँ, आप लोग दिखाऊंगी मैच क्या क्या कपड़े और कौन कौन से कपड़े पहनने वाली हूँ। तो सबसे पहले अपने घर लगी है, बस मेरा आईब्रोज की आप लोग हालत देख सकते हो। मैं आपको पता घर में बनाती हूँ, मैं नहीं जाती सैलून, मुझे उसमें बहुत पेन हो रहा है, इसलिए जो है मैंने ट्विंकल इरेज़र लिया, जल्दी से आईब्रोज बनाती हूँ। आईब्रोज बनाने के बाद आप लोग अपना फेस दिखाती हूँ। तो आप लोगों ने मेरा वो शॉर्ट पर आप लोग देखोगे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाया है, जो मैं थोड़ा सा रेडी हुई थी, मैंने कहा थोड़ा सा मैं इसका वॉइस ओवर करके अच्छा सा करके दिखाती हूँ। और बताइएगा अब ये वाला कलर कैसा लग रहा है, ये मुझे बहुत बहुत नाइस लग रहा है। ये कलर चाहिए था मुझे, जो कि हो कुछ और गया था। और बाय द वे ये मेरे कपड़े, बाकी पूरे कपड़े भी आपको दिखाती हूँ, चप्पल वगैरह आपने वैसे देखे उसमें, ओवरऑल भी सारे लुक दिखाती हूँ आपको। क्या हुआ तुम्हें? को पता नहीं क्या हो गया आज। अभी हम लोग जा रहे हैं अलीना को लेने के लिए ताकि हम लोग दोनों साथ जा सके मेहंदी लगवाने के लिए। और अभी यहाँ पर अलीना आ चुकी है, अलीना ने बोला था ब्लैक पहने के लिए, ये पहन कर आ गई। बस तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे फेवरेट तीन तलवार पर और अभी हम लोग जाएंगे लगवाएंगे मेहंदी, है ना मेहंदी? और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इतना ज्यादा रश है, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, कुछ ज्यादा ही रश है, नजर ही नहीं कुछ आ रहा है। अभी जो नैना है और अलीना दोनों आ चुके हैं भैया, अभी मेहंदी लगवाने, बहुत रश है यहाँ पे, ऐसा है कि हम लोग घूम रहे हैं। नैना यहाँ से भाई चूड़ियाँ पसंद करी है, अलीना लोधी साथ है। और अभी हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आ गए हैं। और मुझे ये वाला छोटे साइज, मुझे साइज की चूड़ियाँ नहीं मिलती, पता नहीं मैं क्या करूँ। ये ले रही अपने लिए पिंक कलर, बट यहाँ पर है बहुत खूबसूरत, आगे भी आगे चल के देखते हैं शायद मेरे साइज की मुझे मिल जाए। तो फाइनली हमें इतने ज़्यादा क्राउड में जगह मिल गई है बड़ी मुश्किल से, और ये मतलब एक अच्छी खासी जद्दोजहद जो कह रही थी मैं जद्दोजहद के बाद। अभी जो है मैंने एक डिज़ाइन पसंद किया, उसका मेहंदी लगाने लगे। ये वाला डिज़ाइन मैंने पसंद किया, मैंने और अलीना ने दोनों ने सेम लगवाना है। नैना के हाथों में जो है मेहंदी लगना शुरू हो गई है। एज यू नो गाइस, नैना को सिर्फ और सिर्फ फिंगर्स मेहंदी पसंद है ना। तो अभी दोनों हाथों में नैना ये वाली मेहंदी लगा रही है, तो आप लोग देख रहे हैं। और जिनसे मैं मेहंदी लगवा रही हूँ सबको उनसे लगवानी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए प्रोसेस क्योंकि बहुत बारीक लगवा रही है। लेकिन लकीली मैं जैसे आई हूँ मुझे ये मिल गई और ये मुझे बहुत बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत मेहंदी लगा रही है। तो नैना के एक हाथ पे जो है मेहंदी हो चुकी है और अभी दूसरी अंडर प्रोसेस है, और नैना की खुशी चेक करें गाइस, मेरा फेवरेट दिन है। सही बात। और अभी मेरी जो है मेहंदी लग चुकी है, अभी लग रही है अलीना की मेहंदी लग जाए फिर हम जाएंगे घर। और हम लोग ना यहाँ पे लड़कियाँ मेहंदी लगवा रहे हैं और ये कब से बेचारा वेट कर रहे हैं, तकरीबन इसको एक घंटा हो गया। शाहरुख तो मेरी मेहंदी कैसी लगी? बहुत अच्छी है। तुम्हारा नाम लिखवाऊं? क्यों, क्या मतलब? नहीं तुम्हें अच्छा नहीं लगता ऐसे करवाना, गुल्लू का लिखवा दूं। तो यहाँ पर भाई नैना ने फर्स्ट यहाँ पर लगवा लिया मेहंदी,
अब अलीना लोभी की यहाँ पर लग रही है। हाँ अलीना कह रही थी लाची लगवानी है। अच्छा मैंने कहा पहले हम खाना खाएंगे और गप्पे देन हम जाके लाची। मैं रात में नहीं जाऊँगा ना फिर। अभी शाहरुख लाए हैं मेरे लिए फ्राइज, बल्कि अपने लिए लाए हैं, मुझे भी थोड़ा सा खिला देगा ना शाहरुख। मेरे हाथ पे मेहंदी लगी है, मुझे खिलाओ। आज तो मैं बहुत सकती हूँ ना। अच्छे हैं ये ले। और हम दोनों ने भी मेहंदी लगवा ली है। कैसी लग रही है हमारी मेहंदी? लगानी मुझे दोनों हाथों पे थी, लेकिन टाइम भी ज़्यादा नहीं था, मच्छर भी काट रहे हैं। हाँ इसलिए तो बस अभी हमारे सब कुछ हो चुका है और हम लोग इस रश में से गायब, लड़ते झगड़ते अलीना गायब, अलीना गायब थे। अंकल ये कह रही है, अंकल अल्लाह करे ये, अंकल ये कह रही है दे दे दो पैकेट दे दो। नहीं 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 ऐसे दे दो। तो नैना भाई इनके पास तब आई थी जब ये खत्म हो गई थी बिल्कुल, अब ये फिर से आ गई और नैना अभी फिर से आ गई इसके पास। और अभी काफी ज्यादा थक के अभी हम लोग आए कुछ खाना खाने के, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। और बस भी शाहरुख को बस ब्रॉडवे पसंद है, मुझे हमें पसंद कोई ऑप्शन नहीं, तो बस हम भी ब्रॉडवे ही खाएंगे। यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले जो है नमक ऑर्डर किया, एज यू नो नमक ऑर्डर करने के बाद मैंने यहाँ से एक चिली ली वो इसके अंदर डाली। मेरे पास यहाँ पर कैरीज थी गाइस, मैं वहाँ से लेकर आई थी, फिर मैंने कैरी यहाँ इसके साथ खाई और इतनी लजीज आप लोगों को बता सकती बहुत, मतलब मुझे ये चीज़ें पसंद है बहुत ज़्यादा। आपको क्या तकलीफ है अगर मैंने इसे खा भी लिया तो? मतलब क्या इसे किसी अच्छी जगह पर नहीं लेकर जाता? ये अच्छी जगह है तो अच्छा रेस्टोरेंट है ना बैठने के लिए, यहाँ पर कोई बस इस जैसे लोग ना, इस जैसे लोग ना ऐसी जगहों को भी अच्छा समझते हैं। ऐसी जगहों पर ऐसी जगहों पर आपने भी इतनी घटिया हरकतें करते थे। माशाल्लाह इतनी अच्छी जगह है, ब्रॉडवे नाम है, नाम है सही है तेरे नाम तो अपना नाम ना। बस गाइज आज कितनी इंसल्ट करेंगे क्योंकि आज चांद रात है। तो गाइज मैं भी अलीना को मुबारकबाद देने लगी क्योंकि जो मेरे पास है वो उसके पास भी है। नहीं गाइज आप लोग गलत समझ रहे हो, आप लोग बहुत गलत समझ रहे हो, मैं मोबाइल की बात कर रही हूँ। इसका जो है अब माशाल्लाह से आईफोन इसने खरीद लिया है अपनी मेहनत से। अम्मी ने मुझे बर्थडे गिफ्ट किया, अम्मी ने गिफ्ट किया है, मुझे लगा तूने अपनी मेहनत से लिया, तो इतनी चीज है तूने अपनी मेहनत से कुछ लिया, तो अपनी मेहनत से वो दवाई भी ना ले अपनी। अभी जो है इसने 11 ये कोई बात नहीं रहता है, इसको और आगे जो है कामयाब करें। आप सब लोग जाके अलीना जी ब्लॉग्स को देख रहे हैं ताकि अलीना जो है 15 प्रो मैक्स की थर्ड कॉपी ले सके। ओके सो गाइस हमेशा की तरह फिर से एक बार धोखा कर दे मेरे साथ। हम क्या हो गया मेरे साथ? पैदा हुई थी तो घर वाले ने बोला, डॉक्टर ने बोला क्या हुआ, तो डॉक्टर तो ना इसके अब्बू ने पूछा क्या हुआ, तो ना डॉक्टर ने बोला मुँह मुँह। और देखो मेरा भी आ गया, ये मेरा बिल्कुल फीका सा पिज्जा क्योंकि हम बहुत कम खतरे चीज नहीं पसंद। और इसी के साथ हम कहते हैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड, आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा। मिलने कल आप लोग को ईद के व्लॉग के साथ रखने के लिए ना।